भारत सरकार की एडीप योजना एवं राष्ट्रीय वायुश्री योजना के अंतर्गत 4 फरवरी को गोरखपुर विश्वविद्यालय में होने वाले निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण समारोह की तैयारियों की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कार्यक्रम स्थल पर की गई। बैठक में जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने बताया कि भारत सरकार द्वारा शारीरिक दुर्बलता से ग्रसित वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं और वृद्धावस्था के कारण शारीरिक दुर्बलता से ग्रसित हैं, उनके लिए सामान्य दिनचर्या में सहायता हेतु सहायक यंत्र व उपकरण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय वायुश्री योजना का सृजन किया गया है। अब तक के आयोजित किए जा चुके वायुश्री योजना अंतर्गत ये 20वां शिविर है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय वायुश्री योजना एवं एडीप योजना के वितरित शिविर में एलिमिको द्वारा 4,115 पूर्व चिन्हित लाभार्थियों को लगभग 217 लाख के 7,072 नित्य जीवन सहायक एवं दिव्यांग सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे। कार्यक्रम स्थल पर डॉक्टरों की टीम लाभार्थी का दांत सेट करेगी। इन सहायक उपकरणों के माध्यम से लाभार्थियों को स्वावलंबी व सशक्त करने के उद्देश्य को पूरा किया जा सकेगा। बैठक में एलिमिको के डीजीएम अजय चौधरी, सीडीओ अनुज कुमार सिंह, एडीएम प्रशासन प्रभुनाथ, सीआरओ बलराम सिंह, एडीएम वित्त विधान जायसवाल एवं विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने बताया, आप तो कह ही रहे हो कि 10 बजे तक हमारे सब लोग आ जाएंगे। तैयारी कर रही है अपने बैनर लगवा दिया विशेष शौचालय दिव्यांगजन द्वारा नगर निगम मीटिंग में मैं भी था। मीटिंग इतने बजे खत्म हो गई। शुड कैरी सम लोड फ्रॉम माई शोल्डर्स। आई स्टार्ट टेकिंग अटेंडेंस एंड ऑल मेरे 3 बार मुझसे पूछ चुके मीटिंग में कब आएंगे आप कौन है एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है जो 4 तारीख को यानी परसों यहाँ यूनिवर्सिटी के इस ग्राउंड में होगा। इसमें हमारे 4,000 से ऊपर लाभार्थी पूरे ज़िले से हैं, 19 ब्लॉक से, वो यहाँ पर आएंगे अपने सहयोगियों के साथ। और आप देख रहे हैं इतना बड़ा पंडाल हम बना रहे हैं जिसमें लगभग 10,000 की कैपेसिटी है। तो जो दिव्यांगजन आएंगे वो और उनके जो सहयोगी आएंगे उनको हम लोग सम्मानपूर्वक बिठाएंगे। प्रोग्राम में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं और केंद्रीय मंत्री जी भी आ रहे हैं, तो उनके हाथों से यहाँ वितरण होगा। और यहाँ स्टॉल्स भी लगाए जा रहे हैं जहाँ पर उन लोगों की फिटिंग कराई जाएगी उनके इक्विपमेंट की। और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि ये बहुत ही भव्य प्रोग्राम हो और इससे जो लाभार्थी यहाँ पर आएंगे वो सुविधापूर्वक अपना उपकरण प्राप्त करें
हो यहाँ से वापस। सर किस तरह आएंगे लोग, क्या व्यवस्था की है उनके लिए? हम लोग करीब 200 बसें लगा रहे हैं और बसों में ही उनको सम्मानपूर्वक लाएंगे। उनके खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखा गया है और दिव्यांगों के लिए हम लोग स्पेशल टॉयलेट्स भी यहाँ बना रहे हैं। सब व्यवस्थाओं को ध्यान हमने रखा है।